बलिया जिले के शहर कोतवाली थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर एक शातिर चोर को पुलिस ने ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से 261.430 ग्राम आभूषण, जो कि पीली और सफेद धातु के हैं, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है, बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से 8,300 रुपए भी नगद बरामद हुए हैं। अभियुक्त पर पूर्व में लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। ये बंद ताला लगे घरों की रेकी कर घर में जब कोई नहीं रहता था तो उसी घर को टारगेट कर ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। बलिया से प्रभुनाथ सिंह की रिपोर्ट। सर, थाना कोतवाली को आज किस प्रकार की सफलता प्राप्त हुई? थाना कोतवाली की पुलिस को आज एक बेहद शातिर चोर को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। उक्त शातिर चोर का जो बहुत लंबा आपराधिक इतिहास है, लगभग 1.5 दर्जन मुकदमों का आपराधिक इतिहास है, आज जब इसको पकड़ा गया तो इससे पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई है कि यह अकेले निकलता है और खाली घरों को टारगेट करके उनका ताला तोड़ करके उनमें घुस करके चोरी करता है। इसने पूछताछ में कुल हाल में की गई 5 घटनाओं को स्वीकार किया है कोतवाली क्षेत्र में, जिसमें 16/9/23 की एक घटना है मोहल्ला बहादुरपुर की, इसके अलावा भी अन्य कई घटनाओं को स्वीकार किया है। तो कुल 5 घटनाओं का अनावरण हुआ है और इसके पास से 261.43 ग्राम स्वर्ण आभूषण एवं चांदी का आभूषण बरामद हुए हैं, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 15 लाख के आसपास बताई गई है। उसके अलावा 2 अदद लोहे का रम्मा और 1 अदद काला बैग, 8,300 रुपये नकद इसके पास से बरामद हुए हैं। फिलहाल इसके बारे में और भी जानकारी की जा रही है, इसका और आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। धन्यवाद।